हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वह है किंगडम मोनेरा। तो जैसे कि आपको पता है कि साइंटिस्ट ने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। तो उन 5 किंगडम्स में से आज हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द ओनली किंगडम अमंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये इकलौता ऐसा किंगडम है, किंगडम मोनेरा, जिसके ऑर्गेनिज्म का जो सेल टाइप है वह प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया इज द सोलो मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया जो है वो अकेला मेंबर है इस किंगडम का। बाद में बैक्टीरिया जो है उसमें विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर ऑफ दिस किंगडम कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं, देखिए इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर यूविक्यूटिनस। इसका अर्थ ये है कि इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पाए जाते हैं हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि आपको धरती पे भी मिल जाएंगे, आपको डस्ट पार्टिकल्स में भी मिल जाएंगे, आपको डीप ओशन में भी मिल जाएंगे, आपके घर में हर जगह ये मिल जाएंगे, जहाँ पर बैठ के आप जिस मोबाइल पर बैठ के ये वीडियो देख रहे हो उस पर मिल जाएंगे, और आपकी स्टडी टेबल पर मिल जाएंगे, अगर आप अपने स्किन का थोड़ा सा सैंपल लोगे तो वहाँ मिल जाएंगे, हर जगह मौजूद है, इसलिए इनको यूबिक्यूटिनस कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो ये है, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटे होते हैं और ज्यादातर जो मेंबर हैं इस किंगडम के वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जो मोनेराज और जो मोनेरा ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद को यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी कि ये दर्शाते हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ थी, यानी कि जो प्रिमिटिव लाइफ थी उससे जो स्ट्रक्चर है इनकी सेल का वो मिलता जुलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव नेकेड सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि इनमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, और इस कारण से, देखिए इस कारण से जो इनकी जो न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है तो जो डीएनए होगा इसका वो कैसा होगा, वो साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होगा, जिस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए। और दूसरी बात कि इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ सर्कुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 70S टाइप राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह ये है, दे हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म, इस किंगडम के जो प्राणी हैं उनमें रिजिड सेल वॉल उपस्थित होती है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी एपरेटर्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित नहीं होते हैं। ऑल्दो सम बैक्टीरिया हैव पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटोपोर। इनमें पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या होते हैं, कीमोट्रॉफिक होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रोमेटोपोर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, एब्जॉर्प्टिव भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, परंतु ज्यादातर जो होते हैं ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं जिसमें ये पैरासिटिक होते हैं। तो बच्चों, ये तो जो थे वो कैरेक्टर्स थे कि जो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है,
ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, बैक्टीरिया सोलो मेंबर है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसी कारण इनका जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, नेकेड होता है। 70S टाइप राइबोसोम्स है, प्रिमिटिव लाइफ को शो करते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यूबिक्यूटिनस होते हैं, ठीक है, यूबिक्यूटिनस होते हैं क्योंकि हर जगह पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें जो एक मिनट कलर चेंज करते हैं, इनमें जो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, परंतु ज़्यादातर ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स में भी पैरासिटिक होते हैं। तो बच्चों ये थे कैरेक्टर्स किंगडम मुनेरा के। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय।